आज तक की टीम उधमपुर में पकड़े गए आतंकी नवेद के घर तक पहुंच गई है। नवेद पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में उसका परिवार रहता है। नवेद के पिता का नाम मोहम्मद याकूब है और ये गुलाम मोहम्मदाबाद हुईवाला रफी कॉलोनी गली नंबर 3 का रहने वाला है। आज तक की टीम उसके घर तक पहुंच गई। उसका परिवार अभी भी घर पर रह रहा है, लेकिन रिपोर्टर को देखकर परिवार ने दरवाजा नहीं खोला। जिस तरह से पाकिस्तान ने नवेद को पाकिस्तानी नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज तक की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि जो पकड़ा गया जिंदा आतंकी है वो पाकिस्तान का ही रहने वाला है और उसके पिता पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये फैसलाबाद में उसी जिंदा आतंकी का घर है जिसको हिंदुस्तान में पकड़ा गया है। उसके पिता, उसका पूरा परिवार इसी घर में रहता है। हमारे संवाददाता पहुंचे थे वहां पर, लेकिन यह जानकर कि रिपोर्टर आए हैं, परिवार वालों ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन आज तक की पड़ताल में यह बात साफ हो गई है कि नवेद का परिवार, उसके पिता, उसके परिवार के सभी सदस्य फैसलाबाद के इसी मकान में रहते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। यह फैसलाबाद की उसी घर की तस्वीरें हैं जहां पर पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नवेद का परिवार रहता है। पाकिस्तान की ओर से इस बात का खंडन किया गया था कि मोहम्मद नवेद पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान ने मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन आज तक की पड़ताल में जो बात साफ हुई है उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें हम वो घर आपको दिखा रहे हैं। वही घर है जहां पर मोहम्मद नवेद का पूरा परिवार रहता है। पूरे दिन की पड़ताल के बाद आज तक के संवाददाता पहुंचे पाकिस्तान में मोहम्मद नवेद के घर। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि घर के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, आस पड़ोस के लोगों से बात की, पूछताछ की, तब जाकर इस घर तक पहुंचा है आज तक। लेकिन आज तक कोशिश की बात करने की इसके परिवार वालों से, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने खोला नहीं। और हमारे संवाददाता आमिर हमजा इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, तस्वीरें भेजी हैं आपने, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि फैसलाबाद का ही रहने वाला है मोहम्मद नवेद, लेकिन पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार करता आ रहा है। देखिए, जो एड्रेस हमें दिया गया था गुलाम मोहम्मदाबाद एरिया खू चौक, ये सारे जो है वो एड्रेसेस उसने, नवीद ने जो एड्रेसेस दिए हैं ये बहुत जानबूझ के मिक्सअप करके दिए। हम हर इलाके में गए और हर इलाके में जाने के बाद ना गुलाम मोहम्मदाबाद में उसका घर था मोहम्मद याकूब का, ना ही खू वाली कॉलोनी में उसका घर था। उसका घर था एक अलग जगह के ऊपर जहाँ हम जाके पहुँचे हैं, और पहुँच के हमने जब वहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि वो अंधेरी गली थी, रात का टाइम था, और हम लोग वो ऐसे इलाका नहीं था जहाँ पे हम लाइट ऑन करके जा सकते, मैं गया हूँ। वो बंदा बाहर निकले हैं, जो मोहम्मद याकूब घर से बाहर निकला है, उसने मुझे देखा है, मैंने उससे हाथ मिला के उससे पूछा है वो याकूब है, उसने कहा हाँ, लेकिन उसने जब कैमरा देखा तो वो वापस अंदर भाग गया। आप जो विजुअल देख रहे हैं उसमें सफ़ेद गेट से वो बाहर निकला था और वो फौरन मुझे देखते ही वापस चला गया। तो उसके साथ कमरा है जिसके सामने दो मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, क्योंकि उसने अंदर जाके वहाँ की भी कुंडी लगाई और इस कमरे की भी कुंडी लगाई, लाइटें ऑफ की और पर्दा हटा हटा के हमें देखता रहा। और ये बात इससे क्लियर हो गई क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे उनसे भी हमने पूछा कि यही मोहम्मद याकूब है, उसने बताया कि हाँ यही याकूब है, उसके बच्चे हैं नवीद, तो वो खातून थी वो नहीं जानती थी किसी, वो कहती मुझे बच्चों के नाम नहीं पता, उसको सिर्फ साल हुआ था, लेकिन हाँ उसके 3 बच्चे हैं उसने ये बताया, एक की होजरी की दुकान है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि वो बंदा, उसका देख के मुझे अंदर भागना, कुंडियाँ लगाना, कमरे की लाइटें बंद करके अंदर से हमें छुप छुप के देखना, और हमने जब तक वो लाइटें बंद करता हम अंदर देख चुके थे, अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके हाथों में फ़ोन थे, लंबी दाढ़ी वाले थे, और वो कौन थे ये नहीं मालूम, लेकिन ये बात तय है कि मोहम्मद याकूब और जो नवीद है, जो वो कह रहा है कि वो फैसलाबाद का है, वो वाकई ही फैसलाबाद का है और उसका घर यहाँ मौजूद है और वो हम ट्रैक कर चुके हैं। हमसे आसपास के लोगों से कुछ बातचीत हुई ताकि इस जो इन्फॉर्मेशन में कुछ और एड ऑन हो सके? मेरी उनकी जो पड़ोसी है वहाँ पे एक औरत मौजूद थी, वो बाहर निकली तो मैंने उससे बात भी की, उसको इनफैक्ट उसकी बातचीत मैंने रिकॉर्ड भी की, मैंने उससे ये पूछा इसका नाम मोहम्मद याकूब है, उसने कहा हाँ है, मैंने उससे ये पूछा
क्योंकि लोग परेशान हो गए थे देख के कि ये अंदर क्यों चला गया और वापस बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो और मतलब मैं आपको बताऊं, वो जो इलाका है वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उनको नहीं मालूम था कि वो याकूब नामी को बंदा है, और ऐसा भी नहीं था कि हम पहले बंदे थे, हमसे पहले वहाँ लोग मौजूद थे, इस मार्केट से होते हुए हम अंदर गए, वहाँ लोग बैठे हुए थे, हमारे निकलते निकलते हमारे पीछा पीछे जो है काफ़ी लोगों की जो है वो आगे पीछे मूवमेंट होना शुरू हो गई थी, इससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो वाकई उसका घर है। और उसकी पड़ोसी ने भी ये कहा कि वो है, उसका वो घर भी अपना है, उसके जो साथ जो ये पड़ोसी थी उसकी ऐसी किराएदार थी, एक साल से है, उसको अच्छे तरीके से जानती है, और वो हमसे यही पूछती थी कि हुआ क्या, कि कैसा क्या मसला हो गया, उसको हमने कुछ बताया नहीं क्योंकि उसका हमें अंदाज़ा हो गया था कि अंदर जो लोग बैठे हैं हमें नहीं मालूम था उनके पास क्या है। हमें ये भी डर था कि हम जिस तरह से दरवाज़ा उनका खटका रहे थे और उनको आवाज़ दे रहा था, मैं दे रहा था कि बाहर आइए मुझे बात करनी है, तो हमें बहुत हर किस्म का डर मौजूद था, शायद अंदर से कोई गोली चल जाती, शायद अंदर से कोई निकल आता, हम नहीं जानते थे क्या था, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि अंदर उसके अलावा कोई और बंदे बैठे हैं जिनके हाथ में एक नहीं दो नहीं तीन फोन मौजूद हैं और वो कुछ ना कुछ वहाँ कर रहे हैं, और वो हमें देख के भागा। उसकी वजह ही यही थी कि वो उसको पता चल गया था कि कैमरा देख के आए हुए हैं, ये मेरी फुटेज बनाएंगे, मुझे बता देंगे और मुझे पकड़ लेंगे। तो वो जो पाकिस्तान की बातें हैं संजय, सुबह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता आ रहा है और लगातार कह रहा है कि अगर भारत ये कह रहा है कि नवेद पाकिस्तानी नागरिक है तो इस बात के सबूत दे। अब और क्या सबूत चाहिए, सारी हिस्ट्री जो है उसकी जुड़ी हुई है, उसके उसके परिवार वाले वहां पर रहते हैं, तस्वीरें हमारे पास है, अब कैसे इनकार करेगा पाकिस्तान? नहीं देखिए, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको कहा जाता है की तरफ से हमेशा किया जाता है, और पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त व्यवस्था है वो इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि नवेद जो है वो पाकिस्तानी, वो जो आतंकवादी है वो पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ पर नवेद ने जब इंटेरोगेशन में इंडियन एजेंसीज को जब बताया कि उसका पता क्या है, नंबर भी हमारे पास था, मेरे ख्याल से आज तक ही सबसे पहला चैनल है जो इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद है, हमारे संवाददाता बहुत जोखिम में अपनी जान डाल करके वहां पर वो गए, उन्होंने दिन में सुबह भी खोजने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी एक कॉलोनी है जहां पर कि बहुत इमिग्रेंट्स रहते हैं, पता नहीं है कि आप हर किसी हर कोई किसी को जानता हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे संवाददाता को जब हमने लगातार वो फोन नंबर बंद आ रहा था, एक इंडियन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्टर से कुछ एक मिनट 20 सेकंड की बात हो पाई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम खतरे में हैं, लश्कर और फौज से हमें खतरा है, हम मेरे बेटे को बचा लीजिए, इस तरह की बात सामने आई थी जी। फिर हमने वो एड्रेस खोजा और वो एड्रेस जब हमने अपने संवाददाता को दिया तो वो एड्रेस गलत था, हालांकि वो नवेद जो एड्रेस बता रहा है इंडियन एजेंसीज को, लेकिन हमारे संवाददाता हमजा आमिर ने उसमें क्लूज ढूंढे, अलग अलग करके याकूब, उस याकूब को ढूंढने लगा जिसके एक बेटे की हौजरी की दुकान है और दो बेटे और एक बेटी है, और इस तरह से खोजते खोजते वो लगातार जाते रहे, और आखिर में एक जब मकान उनको क्लू के साथ मिला और उस गली में जाते हुए जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा, दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि क्या आप याकूब है, और जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो वो दरवाज़ा एकदम से पटक दिया, और वो शायद अंदर कुछ दो तीन लोग थे, अब या तो वो हो सकते हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस के हो या वहाँ पर ISI के हो, या हो सकता है कि लश्कर तैयबा के लोग जो है उनको वहाँ पर सुरक्षा दे रहे हों, अब ये साफ चीज़ें साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि हमजा आमिर ने जो ये सबसे पहला जो सबसे बड़ा सबूत है टेलीविजन के तौर पर तस्वीरों के रूप में उस घर को सामने लाया है कि जो उसका घर हो सकता है, वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारत को एक कम से कम एक सबूत देगी कि हाँ ये है वो घर, अब खोजिए वो घर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय बराकटा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमजा आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये तस्वीरें और ये जो जानकारी है वो आपने हम तक पहुंचाई।